हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि च्युइंगम तो अभी कुछ 50, 60 या 100 साल पहले इस दुनिया के अंदर आई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल स्टोन एज के लोग भी च्युइंगम चबाया करते थे। वेस्टर्न स्वीडन के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को एक 9000 साल पुरानी च्युइंगम मिली है, जो कि एक रेजिन से बनाई गई थी जो पेड़ों में से निकलती है, जिसको पेड़ों की राल भी कह सकते हैं, और उसके अंदर शहद मिलाकर उस वक्त के लोग इसको चबाया करते थे। दरअसल ये जो आर्कियोलॉजिस्ट को टुकड़ा मिला है च्युइंगम का, इस पे दांतों के निशान मिले हैं किसी स्टोन एज के ही टीनेजर के, जिसने इसको चबाकर थूका था। जापान के अंदर एक कंपनी थी जिन्होंने एंटी क्राइम कलर बॉल तैयार करी थी। ये पेंट बॉल की तरह ही थी, लेकिन उसकी तरह काम नहीं करती थी। इसको इस तरीके से ही फेंकना होता था जिस तरीके से हम होली पे गुब्बारे फेंकते हैं। दरअसल ये बैंकरों के लिए बनाई गई थी कि बैंकर्स की टेबल के नीचे ये बॉल रहेगी, जब भी कोई बैंक लुटेरा आएगा तो उस पर ये बॉल मार देंगे, जिससे कि पुलिस को आसानी होगी उनको ढूंढने में, क्योंकि उनके कपड़ों पर कलर फेंका होगा। तो इस तरीके की ये बॉल बनाई गई थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कौन बेवकूफ़ एक गन ताने क्रिमिनल पर, लुटेरे पर ये बॉल फेंक के मारेगा और उसको कलरफुल करेगा। और वैसे भी वहाँ के आधे से ज़्यादा लोग तो बालों पर इस तरीके के कलर करके चलते हैं कि ऐसा ही लगता है कि किसी ने उनके सर पे होली का गुब्बारा मारा है। जॉन लेनन यूएस के एक बहुत ही जाने माने सॉन्ग राइटर थे, जिनको 1980 के करीब में असैसिनेट कर दिया गया था, जिसके बाद किसी ने उनके दांत को खरीद लिया था करीबन 30,500 US डॉलर में, जो होते हैं इंडिया के करीबन 23 लाख रुपए। ये उसने इस वजह से ख़रीदा था कि वो ये सोच रहा था कि इससे मैं शायद किसी दिन इनका क्लोन बनवा लूँगा, क्योंकि उस वक्त में ऐसा कुछ कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि इंसान का DNA से ही पूरा क्लोन तैयार किया जा सकता है। जर्मनी के बर्लिन के अंदर एक जगह है जिसको लिक्टनबर्ग भी कहा जाता है, जहाँ पर एक 24 साल के लड़के जिसका नाम विक्सटन कैंप था, उसके ऊपर बिजली गिरी थी। हालांकि उसने वो बिजली सरवाइव कर ली थी, लेकिन उसके हाथ पे कुछ इस तरीके के ब्रूजेस बन गए थे उस बिजली गिरने की वजह से। एक बात तो आप सभी को मालूम होगी कि बैम्बू दुनिया की सबसे बड़ी घास है, लेकिन ये बात आपको मालूम नहीं होगी कि बैम्बू की कई स्पीशीज ऐसी भी हैं जो एक दिन में 35 इंच पर डे के हिसाब से भी बढ़ती है, यानी कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट भी होता है, जो कि ऑलमोस्ट 3 फीट तक बढ़ जाता है एक दिन में। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने समुद्री रेत तो ज़रूर देखी होगी अपने हाथों में उठा के, जो कि थोड़ी बहुत चमकती भी है, लेकिन अगर देखा जाए इनको 300 गुना और जूम करके, तो ये जो चमकने वाले पार्ट होते हैं रेत के, वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम चाइना के बीजिंग में हुआ था, जो कि 12 दिन तक चला था, मालूम है ना। लेकिन ये बात मालूम नहीं होगी कि उस सिचुएशन के अंदर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बाइसाइकिल पर लोग आ रहे थे, जो कि $60-60 में इस जाम से लोगों को निकाल रहे थे, उनकी कारों को नहीं बल्कि सिर्फ उन्हीं को, और उनके बाद में कोई और उनकी कार पे बैठ के इंतज़ार करता कि जब ये जाम खुलेगा उनके घर पे वो लेके आएगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी आंखें ब्राउन होंगी, लेकिन उनको भी मालूम नहीं होगा उनकी ब्राउन आंखों के पीछे ब्लू आई भी मौजूद है। दरअसल उनकी आंखें ब्राउन इस वजह से लगती हैं क्योंकि उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ पिगमेंट मौजूद है, जिसको हटाने के बाद में, उसके लिए एक लेज़र सर्जरी होती है जिसके प्रोसीजर के बाद में आपकी आंखें परमानेंटली ब्लू ही हो जाती हैं। तो इस ब्राउन मेलानिन को हटाने के लिए एक सर्जरी की जाती है, जो कि कहा जाता है कि पेनलेस होती है, और उसके बाद में आपकी आंखें परमानेंटली ब्लू हो जाती हैं। लेकिन ब्लू आई करवाने के बाद में आप वापस ब्राउन आई नहीं करवा सकते। आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि सारी दुनिया में जितना इंटरनेट यूज किया जाता है, उससे ज्यादा इंटरनेट हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर यूज होता है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन फिर भी हमारे इंटरनेट की स्पीड के मामले में हम दुनिया के 130वें देश हैं। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि कोरिया के अंदर एक टैबू है अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए, जिसकी वजह से उनको कभी भी अडॉप्ट नहीं किया जाता कोरिया के अंदर। दोनों ही कोरिया की बात कर रहा हूँ, वैसे तो नॉर्थ कोरिया का तो किसी को पता ही नहीं होता कि वहाँ पे चल क्या रहा है, साउथ कोरिया की ही अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी अनाथालयों में जो बच्चे होते हैं उनको अडॉप्ट नहीं करते वहीं के लोग, क्योंकि ऐसा माना जाता है वहाँ पर कि ये उनकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जिस वजह से इन अनाथालयों में से इन बच्चों को कभी भी अडॉप्ट किया ही नहीं जाता। हाँ, एक बात अलग है कि अगर कोई फॉरेनर आके इनको अडॉप्ट करके अपनी कंट्री में ही ले जाए। एक चाइनीज आर्टिस्ट था जो कि अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर
दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद में उसने अपनी ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ इस तरीके के फायरवर्क क्रिएट कर डाले थे कि वो एक लैडर सी बना गए आसमान में, यानी कि सीढ़ियां बना गए, जिसका नाम उन्होंने रखा लैडर टू हेवन, जो कि 1600 फीट की ऊंचाई तक बादलों में गई थी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।